गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रामू था। एक दिन वह उस गांव में पहुंचा जहां एक बुजुर्ग महिला गीता रहती थी। रामू गीता के घर पहुंचा। गीता रामू से बोली, अरे भाई साहब। रामू ने कहा, मुझे एक काम था इसलिए इतनी दूर से आया हूं। गीता पूछी, अच्छा लेकिन क्या काम था भाई साहब? गीता बहन, आप समोसे बहुत अच्छे बनाती हो और मेरा समोसे का ठेला है। मुझे वहाँ समोसे बनाने के लिए किसी की जरूरत है। क्या आप मेरे ठेले के लिए समोसे बनाने आ सकती हो? मैं आपको अच्छे पैसे दूंगा। रामू ने प्रस्ताव रखा। गीता ने सोचा और कहा, ठीक है भाई साहब, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। वैसे भी यहाँ मैं और मेरा पोता अकेले रहते हैं, इससे कुछ मदद भी मिल जाएगी। शाम की ट्रेन से गीता रामू के साथ नवगांव आ गई। अगली सुबह जल्दी उठकर गीता ने 100 समोसे बनाकर तैयार कर दिए। रामू और उसकी पत्नी सीता समोसे बेचने दुकान पर गए और उस दिन उनके सारे समोसे बिक गए। उनके कारोबार में खूब मुनाफा होने लगा। रामू ने आधा मुनाफा गीता को दिया और कहा, बहन आज तो बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है, ये लीजिए आधा मुनाफा आपका। दिनों बाद रामू की पत्नी सीता को जलन होने लगी। उसने रामू से कहा, आप गीता को कमाई का आधा हिस्सा देते हो जबकि सारा सामान हमारा होता है, और बाजार में जाकर मेहनत हम करते हैं और आप उसे आधा पैसा दे देते हैं। आप उसे दिन के हिसाब से पैसे क्यों नहीं देते? रामू ने सीता की बात मानी और अगले दिन गीता से कहा, महंगाई बहुत बढ़ गई है और मुझे धंधे में घाटा हो रहा है, अब मैं आपको रोज के 100 रुपये ही दूंगा। गीता ने कहा, लेकिन भाई साहब आपने पहले मुनाफे का आधा हिस्सा देने का वादा किया था, अब ये क्या हो रहा है? रामू ने तुनक कर कहा, बहन आपको लालच आ गया है, आप इतनी लालची हो गई हैं कि धंधे को नुकसान पहुंचा रही हैं। गीता ने शांत स्वर में कहा, भाई साहब लालच मुझे नहीं आपको आ गया है, मैंने तो कभी अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। रामू ने गुस्से में आकर कहा, तुम अब यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी जगह गांव में ही है। गीता और उसका पोता रमेश दुखी मन से वहाँ से निकल गए। रास्ते में रमेश ने कहा, दादी परेशान मत हो, हम खुद का समोसे का ठेला लगाएंगे, हमारे पास कुछ पैसे हैं जिससे हम शुरू कर सकते हैं। अगले ही दिन गीता ने रमेश की मदद से अपनी खुद की दुकान लगाई, लेकिन पहली बार में उनके सारे समोसे नहीं बिके जिससे गीता निराश हो गई। रमेश ने समझाया, आज तो पहला दिन था, हमें कोशिश करनी चाहिए, कल फिर से देखेंगे। उसका ठेला पर लोग धीरे आने लगे और उसकी स्थिति ठीक होने लगी, और रामू के ठेले पर लोग कम आने लगे। फिर रामू को अपनी गलती पर पछतावा हुआ और गीता से माफी मांगा, और फिर दोनों मिलकर खुशी खुशी समोसे बेचने लगे।